बैठिए भागलपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 48 की वार्ड पार्षद कुमारी कल्पना देवी के खिलाफ दबंगई और बिजली के खंभे से बांधकर बुरी तरह पिटाई करने का आरोप एक युवक ने लगाया है, जिसके बाद युवक के द्वारा इसाकचक थाने में कुमारी कल्पना देवी समेत 4 नामजद और 10 अज्ञात के विरुद्ध FIR दर्ज किया गया। वहीं कल्पना देवी को गिरफ्तार करने गई इसाकचक थाने की पुलिस को कल्पना देवी के समर्थकों के विरोध का सामना करना पड़ा। साथ ही कल्पना कुमारी ने भी गिरफ्तारी का विरोध किया, जिसके बाद पुलिस बल का प्रयोग करते हुए पार्षद कुमारी कल्पना देवी को घसीटते हुए थाने की गाड़ी पर चढ़ाया और थाने ले गई। वहीं मीडिया से बात करते हुए कल्पना देवी ने कहा है कि उस पर लगे आरोप निराधार है। पूरा मामला इसाकचक थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 48 का है, जहां इसाकचक थाने में एक युवक कुन्नी तांती का 40 वर्षीय बेटा कमल तांती ने SC एक्ट के तहत 4 लोगों के साथ 10 अज्ञात लोगों के विरुद्ध केस दर्ज कराया है, जिसमें वार्ड नंबर 48 की पार्षद कल्पना देवी, सिकंदर शर्मा, वीरेंद्र मंडल और मुकेश कुमार के अलावे 10 अज्ञात लोगों को नामजद बनाया गया है। FIR में बताया गया है कि दलित युवक को वार्ड 48 की पार्षद कुमारी कल्पना, पार्षद के पति वीरेंद्र कुमार, सहयोगी सिकंदर शर्मा एवं मुकेश कुमार के द्वारा बुरी तरह से एक बिजली के पोल में रस्सी से बांध दिया और जमकर हरिजन संबोधित करते हुए भद्दी भद्दी गालियां दी गई और उसके साथ मारपीट भी किया गया। हम इसको बोले कि बेन सारा लेके चलिए, पब्लिक लोग लेके मेरा घर पर आ गया, घर पर आ गया, हम थाना को फोन कर करके थक गए। हमारा मोबाइल देखा जाए, अनेकों बार थाना को फोन किए, रिकॉर्डिंग पहले भेजे, आप रिकॉर्डिंग सुनिए, उसके बाद उसको बांध दिया गया। हम खुद उसको बांध कर रखे, चुकी महिला थे। हाँ। तो मारे उड़े कुछ नहीं है, उतना लोग था यहाँ पर, बांधने का अधिकार किसी को है क्या? क्या नहीं है अधिकार? रहे नहीं रहे, हम इस बात से एक्सेप्ट करते हैं। तुम पिटाई भी की गई काफी 2 घंटे तक, ये सब झूठ बोलता है, उसको दाग है, उसको मतलब आप दाग है इसका कि हम भागे हैं क्या? आपके घर के सामने में नहीं, उसको कोई नहीं मारा है, दाग कैसे? कोई नहीं मारा है, अगर कोई प्रूफ है तो हमको कही, हमको क्या पता कैसे दागे? जो चोर लखंगा ऐसा इधर कुछ दिन पहले भी झगड़ा किया है, वो अपना जो दूल्हा के आशिक है उसको थाना में पकड़वा के रखा था रात भर, अपना तो मारपीट दूल्हे के नियम में करते रहता है। पिटाई हुई है यहाँ? नहीं हुई पिटाई, वो झूठा आरोप लगा रहा है। मेरा पूरा बांधा गया कि नहीं पोल में? हम उसको बांधे, जब पुलिस नहीं आई तो हम धूप में कितना देर खड़ा रहते? थाना लेके नहीं चले गए क्या? थाना वाला बोलता कि लेके आइए, चले जाते, रिकॉर्ड कीजिए। आप तो पार्षद है, आप तो ले जा सकते थे। मेरा मोबाइल देखिए, जब आप ले जा सकते? अच्छा, हम आपको ही कहते हैं ले जा सकते थे, जब थाना खुद कह रहा कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम थाना को बार बार फोन किए हैं, थाना को ऐसा नहीं कि फोन नहीं किए हैं। सर देखिए, सर आइए ना, उसको हम कितना देर बैठा कर रखेंगे? सर आप आइए, हम महिला हैं, कितना देर बार बार भागता हम पकड़ा, उसका पत्नी को बुला लिए थे कि भाई देखिए आप ही ने कहिए कल नुकसान किया है, मेरा पति को नहीं आ रही थी, फिर भी हम उसको आदमी भेज के बुलवाए, फोन बंद कर ली तो हम कितना देर रखेंगे पकड़ के? तो हमको दिमाग उतना काम नहीं किया, हमको इतना अभद्र गाली दिया था, हमको लग रहा था कि थाना से हमको कुछ न्याय मिलेगा, हम केस भी नहीं करेंगे, इसे एक बॉन्ड भरवा दे कि भाई आप गाली गलौज नहीं करेगा, मेरी गलती बता दे किस गलती हम कौन गलती किए जो किया। हमको लगता था हम लोग गाँव के रहने वाले हैं कि चोर पकड़ाया तो उसको भाई बांध दिया, हम अपने से उसको बांध दिए और हम कुर्सी लगा के यहाँ पे बैठे थे और थाना को बार बार फोन कर रहे थे। बांधे थे जो आपके सामने वो बंधा हुआ था, आप कुर्सी में बैठे थे? हाँ, हाँ, हम ही बांध के बैठे थे कि भागे नहीं यहीं पर, और हम थाना को फोन कर रहे थे, हम ही बांधे थे। हाँ, वो लास्ट में बांधे जरा देर के लिए, उसकी पत्नी थी यहाँ बैठे थे, पूरा समाज हम यहाँ बैठे थे। वही इस घटना को लेकर एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इसको लेकर पुलिस सख्ती में आई और तत्परता दिखाते हुए वायरल वीडियो और कमल तांती के फर्द बयान पर वार्ड नंबर 48 की पार्षद कुमारी कल्पना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि कमल तांती की इस कदर पिटाई की गई थी कि इलाज के लिए उसे मायागंज अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। इस घटना के पीछे की कहानी भी काफी दिलचस्प है। राजमिस्त्री कमल तांती की पत्नी अपने ही देवर छोटू तांती से प्यार करती थी। कमल तांती को जब यह बात पता चली तो उसने इसका फैसला करने के लिए वार्ड पार्षद कुमारी कल्पना के पास पहुंचे, जिसके बाद वार्ड पार्षद कुमारी कल्पना के द्वारा निर्णय लिया गया कि जब कमल तांती के साथ उसकी पत्नी रिंकू नहीं रहना चाहती तो उसे छोड़कर वो अपने देवर प्रेमी के साथ घर बसा ले। साथ ही वार्ड पार्षद का कहना हुआ कि कमल तांती की पत्नी अपने प्रेमी के साथ उसी मकान के निचले कमरे में रहेगी। यही बात कमल तांती को नागवार लगा और उसने इसका विरोध किया,
लेकिन यह विरोध करना उसे काफी भारी पड़ा और वार्ड पार्षद कुमारी कल्पना के कहने के बाद वार्ड पार्षद के लोगों ने उसे बिजली के पोल में बांध कर काफी गाली गलौज करते हुए हरिजन सब से संबोधित करते हुए उसके साथ मारपीट किया। तो हमरा बड़ा दिक्कत होले तो हम जाकर अभी से बोले फिर कल्पना देव पास गलिए कौन है कल्पना देव वार्ड पास हाँ और पास गलिए तो वो पंचायती जरूर बल्कि ठीक है दिमाग लगाते हैं पंचायती का फैसला फैसला कर देते हैं। फैसला करने के बाद 15 दिन हो गया बल्कि 15 दिन का टाइम दे हमारा घर खाली करे मन ओकर बाद घर खाली करे करके उनके हमारा सब पूरा मारपीट करे लगले तो फिर कल्पना देव पास गलिए के ऐसे बात है तो फिर कल्पना देव कोशिश मान करके दोबारा गले भवन से मार के बाद पकड़े गए बहनी जैसे पूरा मार मारा लगे कौन मारा कल्पना देव और उसका सिकंदर नाम है आपको बचाने बेटा भी गया था बेटा गया था बचाने में लोग 80 खोला लेते खोल लगे तुरु बांध के कबर बाद इसको पूरा बदल के कपड़ा खोल के इसको रोड में सुता के बांध के मारो बहने के फिर नए खोल के कपड़ा और प्रशासन अले मैं छोड़ के और ले ले थाना में केस किए हैं अभी तक। इतना कुछ होने के बाद कमल ताती की पत्नी अपने प्रेमी देवर छोटू ताती के साथ अपने 4 बच्चे को लेकर वहां से अलग हो गई और एक बच्चा अपने पिता कमल ताती के साथ है। वहीं पार्षद को गिरफ्तार करने के बाद मामला इतना तूल पकड़ लिया था कि भीड़ को काबू करने के लिए इसाकचक थाने की पुलिस CIT टीम बज टीम को हल्का बल का प्रयोग भी करना पड़ा। वहीं वार्ड नंबर 48 की पार्षद कुमारी कल्पना को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसको लेकर वार्ड नंबर 48 की महिलाओं ने वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय का घेराव भी किया। आपका हस्बैंड वाइफ केस किया बताइए क्या क्या हुआ क्या हुआ था दोनों झगड़ा था घर में बहुत दिन से चल रहा है हस्बैंड वाइफ में झगड़ा चल रहा था हस्बैंड वाइफ से झगड़ा चल रहा था तो दीदी को बुलाया था हम नहीं दीदी को बुलाए थे मेरा बुला ही बुलाया था पंचायती बैठाने के लिए दीदी फैसला किया तो बोला कि देखिए झगड़ा लत मत कीजिए रहिए यही फैसला किया था जो उसका फैसला नहीं पाना दोनों मिल के रहिए उसका बुला के कहना कि मेरा घर खाली कीजिए मेरा कहना हम घर बनाए हैं हम पैसा दिए हैं 2 लाख 3 लाख खर्चा हुआ मेरा घर बनाने वो बोला कि मैं खाली दीदी हम गाड़ी कैसे खाली करें 4 गो बेटी हमको है एक बेटा है कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे दीदी बोली कि ठीक है इसको बच्चा बोल के कहाँ जाएगी रहेगी इसी बात को उसको रोज गाली देते थे गाली ज़्यादा बड़ा खुदे मारते पोल में बांध के कौन मारा था वीडियो वायरल है बोला छोटू और आप में रिश्ता है रिश्ता है रिश्ता है आपके यार छोटू में छोटू ना देवर है रिश्ता हाँ नहीं हम नहीं मानते हैं रिश्ता करें क्या नाम हुआ आपका आपका नाम मेरे साथ आपका नाम क्या हुआ अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है पूरे बिहार का सबसे बड़ा और प्रीमियम सैलून लुक सैलून। लुक सैलून में आपको लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए सर्विसेज उपलब्ध है। लेडीज के लिए हेयर स्टाइलिंग पार्टी मेकअप ब्राइडल मेकअप हेयर टेक्सचर हेयर ट्रीटमेंट फेशियल एंड रिचुअल्स हैंड्स एंड फीट नेल केयर जैसी सुविधाएं तो जेंट्स के लिए हेयर कट एंड फिनिश हेयर कलर हेयर टेक्सचर हेयर ट्रीटमेंट स्किन केयर बियर्ड ग्रूमिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। लुक सैलून अपने इनॉग्रल ऑफर्स के तहत सभी प्रकार की सर्विसेज पर 34% की भारी छूट दे रही है। तो अगर आप भी लुक सैलून के बेहतरीन प्रीमियम सर्विसेज की चाहत रखते हैं तो अभी बुकिंग कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप मोबाइल नंबर 9199062666 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर www.looksalon.in पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं।
बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। सुल्तानगंज के अजगेवीनाथ धाम में श्रावणी मेला की पहली सोमवारी को लेकर रविवार को हजारों डाक कांवरियों ने अजगेवीनाथ धाम के उत्तरवाहिनी गंगा घाट में डुबकी लगाकर गंगा स्नान कर स्थानीय पुरोहितों के द्वारा पूजा पाठ करते हुए अजगेवीनाथ धाम से पैदल व दौड़ते हुए बोलबम बाबा भोलेनाथ के नारों के साथ वैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। वहीं कृष्णा डाक बम के इंतजार में लोगों ने आस लगाए रखा, लेकिन इस बार कृष्णा बम की तबीयत खराब होने की वजह से वो डाक कांवरिया बनकर नहीं जा पाई, जिससे कि भक्तों में मायूसी देखी गई। वहीं कृष्णा बम की ही धनबाद की रहने वाली रेनू डाक कावरिया जो 25 वर्षों से कृष्णा बम के साथ चलती थी, आज कई डाक कावरियों ने उनके चरण छूकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान धनबाद की रहने वाली रेनू डाक कावरिया ने बताया कि हमारे पति RB सिंह धनबाद में वकील हैं, उनकी इच्छा पर उनके साथ डाक कावरिया जाती थी, वह वकील के कामों में व्यस्त रहते हैं तो वह अकेली बाबा भोलेनाथ के दरबार अजगेवीनाथ से वैद्यनाथ धाम 18 घंटों में जल चढ़ाती है। धनबाद के हैं, वो एडवोकेट है, उनका नाम हुआ RB सिंह एडवोकेट, इस यात्रा में वही हमको चलाए हैं। मेरा इच्छा था कि हम बोलबम जाएंगे, उन्हीं का इच्छा था कि हम डाक बम चले, और एक बार वो चला दिए जो आज तक दौड़ रहे हैं। तो है वो नहीं जाते, एगो आएंगे, जब भी आएंगे एगो आएंगे, हाँ एगो आएंगे। इस बार कृष्णा बम नहीं जा रही है क्या? नहीं, वो तो अगले साल नहीं, अगले साल गए थे ना, हर साल हम उनके साथ ही यात्रा शुरू भी किए थे। जी जी, जब हम किए हैं 2000 में शुरू किए थे तो उन्हीं के साथ किए। तो इस बार वो नहीं आ रहे हैं, कैसा मायूसी आप लोगों में? अच्छा नहीं लगता है। जी जी, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कृष्णा दीदी के साथ है, कितना बार हम भी पुलिस के चक्कर में आते हैं। जी जी, पुलिस के घेरा में का है, ये जो है हमको लोग ले जाते हैं, धनबाद के हैं। काफी मायूसी है इस बार कृष्णा बम नहीं आ रही, तो सब बम है उसके लिए, लेकिन यो है कि उनके सोच से हम लोग हिम्मत आता है कि चलो इतना दिन तो दी है रास्ता में। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल भागलपुर के JNMCH अस्पताल में खून की दलाली धड़ल्ले से फल फूल रही है, जिसे रोकने में अस्पताल प्रशासन व स्थानीय थाना नकारा साबित हो रही है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार खून देने में खून के दलालों को 2500 रुपए की कमाई होती है, इसी लालच में ऐसे कई दलाल हर 2 महीने पर अपना खून बेचने पहुंच जाते हैं। वहीं आज भी कुछ खून के दलाल पहुंचे थे, जिसे ब्लड बैंक में कार्यरत नर्स सोनी के द्वारा पहचान लिया गया। वहीं पकड़े गए 3 खून खरीद बिक्री केंद्र करने वाले की पहचान नाथनगर थाना क्षेत्र के बड़ी मस्जिद निवासी मोहम्मद रिजवुल रहमान के पुत्र मोहम्मद हारून अंसारी, मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर निवासी संजय कुमार शाह के पुत्र रोहित कुमार और इसाकचक थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर निवासी मोहम्मद आसिफ के पुत्र मोहम्मद अमन के रूप में की गई है। पकड़े गए तीनों ने कबूल किया कि वो दलाल के चक्कर में फंस गए हैं, जो कि मुझे खून देने के बदले में 2500 रुपये दिया जाता था। फिलहाल अभी दलाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, दलालों की गिरफ्तारी के लिए बरारी पुलिस छानबीन कर रही है। वहीं बरारी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और सबों को पकड़कर थाने ले गई, उससे पूछताछ की जा रही है। परेशान करता है हम लोग को। कौन करता है परेशान? दलाल सब जो आता है। खून का? जी। क्या करता है वो लोग? क्या कहता है मतलब? मैंने परेशान किस रूप में करता है? अरे सर, बार बार आता है, कोई 1 महीने पे आता है, कोई 2 महीने पे आता है, तो आते हमेशा आता है, तो हम लोग पहचानते ही है उसको, उनका चेहरा देख के। और हम लोग बोलते भी है की आप लोग तो पिछले महीना ही आए थे, 3 महीना भी नहीं पूरा हुआ है, फिर क्यों आ रहे हैं? तो फिर हम ही लोग को बोलता है कि आपको क्या है, हम लोग देने आए हैं, मेरा हीमोग्लोबिन ठीक है, CBC जांच करवा के आता है, वो लोग का तो हीमोग्लोबिन बढ़ा रहता है उसमें। पकड़ के भेजे और किनको? उसका हीमोग्लोबिन चेक करते हैं हम लोग, देख लेते हैं कि हीमोग्लोबिन लो है तो उसको हटा देते हैं कि भाई मुतमन जाओ, हीमोग्लोबिन तुम्हारा लो है, लेकिन ज़बरदस्ती कहता नहीं हम लोग लेना ही होगा, तो कितनों प्रेस करने के बाद भी यहाँ खड़ा रहेगा और ज़बरदस्ती कह के लेने के लिए। तीनों लड़का जो आज था, आज तीनों लड़का जो था पहले से बैठा हुआ था और किसी दूसरे पेशेंट के देने के लिए आते हैं, तो उसको भगाते भी हैं, लेकिन तो पर वहीं बैठे रहेगा,
पैसा भी लेता है लोग क्या सर? हम लोग से तो नहीं, हम लोग वहाँ से क्या करता तो नहीं जानते हैं, पेशेंट से क्या करते हैं, पैसा तो लेता ही होगा। अब क्या करता है तो उस पेशेंट बताएगा ना, हम लोग तो उतना नहीं बता सकते हैं। मैंने खून का तस्करी, हाँ खून का तो करता ही है, खून का कारोबार कितनों कहिएगा सुनता नहीं है, नहीं सुनता एकदम नहीं, खून का कारोबार। उसके लिए हम लोग को कभी रास्ते में कहेगा कि आपको मारता करने लगता है, तैयार हो जाता है तो इतना आतंक है, एकदम आतंक फैलाए हुए लोग। कौन लाए बुलाया था आपको? हमको यहाँ दोस्त एक बार आया था, वही हमको बोला था यहाँ, हम आए तो वहाँ पे खड़े थे हाफ पैंट में, कार्तिक नाम था उसका भाई, हमको भेजे थे तो मेरा नहीं हो रहा था तो हम जा रहे थे घर, तो हमको दोबारा फिर भेजे थे। कितना बार तुम ब्लड यहाँ डोनेट कर? दो बार दिए हैं सर। कितना पैसा मिला था? पैसा 2500 दिए थे, एक बार लिए एक बार नहीं लिए थे सर, एक बार मान ले कर काम से आए थे। आज जो ब्लड डोनेट किए तो पैसा नहीं दिए सर, ब्लड में हम नहीं दिए हैं सर। कौन दिया? देवे ने किए सर। कौन बुलाया था यहाँ? हम ई लोग को हम नहीं पहचानते सर। बुलाया कौन था? बुलाया था कार्तिक, कार्तिक घर पता ही सब नहीं पता सर, इधर उधर कहीं का होगा, दोस्ती नहीं हुआ सर, वो लोग दलाल है। खुद का दलाल है? जी सर दलाल है, वही ना भेजा था सर। मोहम्मद हारून अंसारी। कहाँ घर? चंपा नगर सर। ठीक, पापा का नाम? रेजाउर रहमान जी इस दुनिया में नहीं है सर, नाथ नगर चंपा नगर घर है सर।